मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वेकल। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में बसपा सांसद दानिश अली को तमाम आपत्तिजनक शब्द बोले तो सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। हर तरफ बिधूड़ी की आलोचना हो रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, दिल्ली से बीजेपी सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी भी मांगी है, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने लिखा, एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी संसद में आतंकी उग्रवादी कह रहा है और देश का प्रधान सेवक और उनकी पार्टी अब तक खामोश बैठे हैं। ये वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास जैसे खोखले जुमले देती है। ये हाल हो गया है देश की संसद का। दरअसल यही असली चेहरा है बीजेपी का, जो अब हर दिन बेनकाब हो रहा है। संसद से सड़क तक भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसे ही नफरती बयान देकर मासूम जनता को उकसा और भड़का रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत रमेश बिधूड़ी जैसे गुंडे की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए और पूरे देश के मुस्लिम समाज और बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली से माफी मांगनी चाहिए। एक अन्य ट्वीट में लोकसभा स्पीकर की वार्निंग को लेकर आकाश ने लिखा, माननीय ओम बिरला जी, आखिर ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? संसद में विपक्षी सांसद जनता के हित के मुद्दों पर सवाल पूछते हैं और आप उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हैं, और आज जब एक सांसद दो पैसे की गुंडे वाली भाषा पूरे मुस्लिम समाज के लिए करता है तो आप उसे सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सत्ताधारी पार्टी का सांसद है? अरे स्पीकर महोदय, कुछ तो शर्म कीजिए। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है और इतिहास के पन्नों में आपकी ये मामूली चेतावनी भी वैसे ही लिखी जाएगी जैसे इस गुंडे की भाषा को लिखा जाएगा। चेतावनी नहीं, बर्खास्तगी। इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब सिरे? नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं, ये बता रहा हूं सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहे ना जी बाहर। If anything wrong, अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने प्लीज यू टेक योर सीट 1975 तक 52 नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।